कि मेरे को नाम ना याद नहीं आ रहा ये किसने कहा है कि आप ना लेंस पे कभी कैप मत लगाया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बच चुके हैं सुबह के 9:15 और आज कॉलेज नहीं जा रहा मैं, मतलब कॉलेज जा रहा हूँ लेकिन अपने कॉलेज नहीं जा रहा। आज मैं जा रहा हूँ हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहाँ पर आ रहे हैं कैमरा वाले भैया, उनका एक वर्कशॉप है। कल मैंने उनकी स्टोरी देखी थी, एक फिल्म मेकिंग को लेके और फोटोग्राफी को लेके एक वर्कशॉप होने वाली है और मेरे फेवरेट यूट्यूबर में से एक है वो कैमरा वाले भैया, AKA शोमेश। तो चलते हैं फटाफट और देखते हैं क्या होता है। तो अभी 11 बज चुके हैं और हिंदू कॉलेज में मिल चुका है। It gives me great pleasure in welcoming all of you to the Tasavvur 2022. Please wait and we shall begin the event shortly. Thank you. He likes to call himself Camera Wale Bhaiya. A friendly soul who had a creative bent from his school days. He has over 160,000 followers on Instagram and more than 110,000 subscribers on his YouTube channel. He went from being a backbencher to a TEDx speaker. He discovered his passion for photography after posting his first photos on Instagram. Today, he is famous for his videos that document joie de vivre or the joy of living. A supposedly amateur storyteller, he wants to show all of you a video before he comes on. आपकी तस्वीर में जब तक दो चीज ना हो ना, इमोशन और एक्शन, तब तक वो तस्वीर तस्वीर नहीं है। तो मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि कहीं इमोशन दिख जाए अच्छा सा, कहीं एक्शन दिख जाए अच्छा सा, तो उसको अच्छे से कैप्चर किया जा सके। तो आप देख सकते हैं शादी का माहौल है, विदाई चल रही है, ऊपर उनकी माँ की फोटो है, यानी कि मेरी मामी है वो, और नीचे मेरी कजन है। तो आप देख सकते हैं एक इमोशन उस टाइम, ऐसे मोमेंट में ना कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है। सोचा हुआ कि यार कैसे कैप्चर करें, तो मैं क्या करता हूँ, मैं
आईपीस में कैप्चर नहीं कर रहा, मैं लाइव मोड में रखता हूँ स्क्रीन पे, ताकि ना उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आप जब इमोशन कैप्चर करना चाह रहे हैं तो आप उसकी बाउंड्री के अंदर घुस रहे हैं, आप उसकी बाउंड्री में घुस के उस मोमेंट को कैप्चर करके ला रहे हैं बिना उसे डिस्टर्ब किए। अगर आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर वो रियल इमोशन नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो हमेशा ऐसा टेक्निक आप बना सकते हैं, कुछ कुछ कैमराज में साइलेंट शटर भी आता है, आप वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर लाइव मोड में आप ऐसे रख लेंगे और फिर क्लिक कीजिए। आवाज़ बहुत तेज होती है तो उतना पता नहीं चलता वहाँ पे। तो ऐसे मोमेंट, मतलब मेरा हमेशा से मन करता था कि यार कुछ इमोशंस कैप्चर किए जाए, तो अभी मैं जो भी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको थोड़े इमोशन से रिलेटेड होंगे। आपने बहुत लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी बट उसकी पीछे की स्टोरी नहीं मालूम होगी। बट हमेशा क्या होता है ना, क्लाइंट आपको जो बोलता है आपको वही करना पड़ता है। आप वो बोलेंगे कि हाँ हम लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, क्लिक फोटो खिंचाओ, 1 2 3, तो वो नहीं करना चाहता मैं हमेशा एक इनविजिबल फोटोग्राफर की तरह घूमना चाहता हूँ किसी भी जगह पे और उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं अपने तरीके से करूँगा। एक फोटोग्राफर आया हुआ था ऑलरेडी, वो अपनी खींच रहा था, वो खड़े होने के पास आ जाइए, वो उसने कर लिया। बट मैंने बोला कि मैं खुद से खींचूंगा, जो करूँगा मैं खुद से करूँगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे कैमरे में देखना भी नहीं है, आपको अगर मेरे कैमरे में गलती से भी देख लिया मैं फोटो नहीं खींचूंगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो नेचुरल मोमेंट्स है ये हमारे सामने ही होता है, बस उसे हमें कैप्चर करके रखना जरूरी है। और इसमें कोई भी कैमरे में नहीं देख रहा, जरूरी नहीं है कि आपको कैमरे में देख के फोटो खिंचवानी है, क्योंकि जो मोमेंट जब कैप्चर किया जाता है ना, जैसे आप अभी स्टेज पे देख रहे हैं, बट अगर आपको सब चीज़ उधर से आपकी कोई फोटो लेता है, आप स्टेज की तरफ देख रहे हैं, तो वो एक तरीके से एक थर्ड पर्सपेक्टिव व्यू की तरह दिखता है। मतलब ऐसा लगेगा कि आप उस मोमेंट पे, जो व्यूअर उस फोटो को देखेगा उसको पता चलेगा कि हाँ मैं वहीं हूँ और उस पिक्चर को देखना। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही जॉनर को फॉलो करें। मैंने वाइल्ड लाइफ भी किया है, मैंने वेडिंग भी किया है, मैंने स्ट्रीट भी किया है, ट्रैवल भी किया है, प्रोडक्ट भी किया है, हर चीज़ ट्राई की है। आप एक जगह पे रहेंगे ना तो फिर दिक्कत ये होती है कि आप बढ़ते नहीं, आप हर चीज़ से सीखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो आपको हमेशा रेडी रहना है, लाइक हंटिंग जैसे करते हैं ना, तो एक फोटोग्राफर एक हंटर भी है और एक चोर भी है। चोर इसलिए कि उसको बिना बताए उस मोमेंट को कैप्चर करना है, और हंट इसलिए कि वो चीज़ें बहुत तेज़ी से होती है, तो उस तेज़ी में उसको उस चीज़ को पकड़ के लेके आना है। और उसके लिए आपका सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर रेडी नहीं रहेंगे, आप कैमरा और एक चीज़, मैंने एक किसी से सुना था कि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा ये किसने कहा है, कि आप ना लेंस पे कभी कैप मत लगाया करो। लेंस पे जो लोग कैप लगाते हैं ना वो मिस कर जाते हैं मोमेंट। तो मेरे पास ना लेंस पे कैप ही नहीं लगाता, मेरे दूसरे वाले लेंस में मेरा कैप ही नहीं है, वो गायब हो चुका है और मैंने फिर खरीदा नहीं। तो लेंस पे कैप वो लोग लगाते हैं जो, मतलब वो जो लोग लेंस पे कैप लगाते हैं ना, वो मतलब उस अच्छे से हंट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी तलवार को अगर बार बार उसमें रखोगे तो फिर जब आप खींचने, मतलब जब कहीं पे हंट करने जाओगे तो आप फिर हमला नहीं कर पाओगे उससे। तो इसलिए लेंस पे कैप मत लगाया। तो स्टार्टिंग में अपनी आई डेवलप करने की कैमरा दूर रखो, 4-5 साल अच्छे से फोटोज खींचो, फिर उसके बाद आपको जब आइडिया होगा ना कि हाँ क्या मोमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें कैप्चर की जा सकती हैं, क्या मोमेंट्स हमें रखना चाहिए, क्या इमोशंस हमें कैप्चर करना चाहिए, जब ये सब आइडिया हो जाते हैं तब आपका फिर वो स्ट्रैप हटाता है। मैं तो स्ट्रैप यूज़ ही नहीं करता, वो दीवार और ऊँची कर दी गई और वो पेड़ काट दिया गया, तो वो फोटो खींची नहीं जा सकती। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फिर से नहीं दोहराई जा सकती, तो इसलिए हमेशा उन चीज़ों को कैद कर लेना चाहिए, ताकि आज से 10 साल बाद अगर उस फोटोग्राफ को कोई देखे, चाहे उस टाइम पे जब आपने वो खींची होगी ना, वो उस टाइम पे ऑर्डिनरी एक फोटोग्राफ होगी, हाँ ये तो होता रहे, पर 10 साल बाद वो चीज़ नहीं होगी। शायद तक वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होगा या ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं होगा जहाँ पे लोग बैठ के पेड़ के ऊपर वो जो फ्लाइट जा रही है उनको देखते हैं। तो अब मैं जब उस रोड से गुजरता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे पेड़ नहीं है, पेड़ काट दिए गए और दीवार और ऊंची कर दी गई है, मतलब अभी जितनी है उसे ट्रिपल हो गई है। तो ट्रिपल होने की वजह से प्लेन्स दिखते भी नहीं है। तो मैं मतलब अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने वो तस्वीर उस टाइम पे खींच ली थी, सिर्फ 4.5-5 साल पहले, जब मैं आई गेस शिवाजी कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में था, मैं जोग्राफी ऑनर्स मैंने किया हुआ था। तो उसे मैं क्या करता था, हमेशा कॉलेज जाता था, सुबह 9 बजे मेरी कॉलेज स्टार्ट होती थी और शाम के 3-4 बजे तक क्लासेस चलती थी। तो मैं क्या करता था, मैं ऐसा कॉलेज कैमरा बैग ले गया था, मेरे कैमरा बैग में कॉलेज की एक किताब होती, यानी कि समझ लो, मतलब कैमरा बैग मेरा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैं कॉपी या फिर एक रफ कॉपी ले ली और हमेशा वहीं से फिर मैं कहीं कुछ चला जाता था, कहीं पर कुछ फोटोज़ खींचने चला जाता था। तो उस टाइम मेरा फोटोग्राफी एक हॉबी था, मतलब
मेरे को आज भी याद है, मैं ना आई गेस जाकिर हुसैन कॉलेज गया था, कोई कॉलेज में मैं गया था, मेरे को एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था। वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो उनमें से एक जन ने मेरे को सवाल किया कि भैया आप ये जो फोटोग्राफी करते हो, ये आप आगे भी जाके यही करोगे या फिर ये जस्ट एक हॉबी है? तो उस दिन ना मैंने उसको बोला कि ये तो हॉबी है, मैं तो ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मैं तो ज्योग्राफी ऑनर्स में हूँ, मैं मास्टर्स करूँगा, मैं पीएचडी करूँगा, मैं वही कर रहा हूँ। बट फिर मैं घर जाके अपने आप को ये सवाल पूछता हूँ कि यार सच में क्या मैं वही चीज़ करने वाला हूँ ज्योग्राफी एंड ऑल? तो क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट फोटोग्राफी में ज़्यादा है। बट शायद तक वो मैंने ना अपने आप को दिलासा देने के लिए एक ऐसी आंसर दे दिया था, बट फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं, सच में आई गेस मेरी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट ज़्यादा है। और फिर मैंने थोड़ा फोटोग्राफी स्टार्ट किया। अब मैं ना पहले नीचे खड़ा था, मैं नीचे आप देख रहे होंगे ऊपर में वो बिल्डिंग दिख रही है, मैं नीचे खड़ा था, मैं फोटोज ले रहा था, तो मुझे नीचे से दिखाई दिया कि ऊपर भी लोग खड़े, तो मैं दौड़ के गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं शिकार करने गया। पहले मैंने यहाँ से देखा, चोट वाली नज़र से देखा कि हाँ भैया लोग ऊपर बैठे हुए हैं, अब इनको हमें कैप्चर करना है। और मैंने देखा कि नीचे जो लाइट्स जल रही है वो उनके ऊपर गिर रही है, तो मतलब मैं अगर उनके पीछे चला जाऊँगा। अब ये होता है एक चालाक शिकारी का एक सोचना, कि आपको शिकारी की तरह सोचना है कि किस तरीके से जो लाइट इधर से पड़ रही है तो वो उनके बैकलाइट में आएगी, यानी कि अगर मैं उनके पीछे चल जाऊँ तो वो एक बैकलाइट बन जाएगी। तो मैं दौड़ के पीछे गया, ऊपर चढ़ा, फिर उसी जगह पर पहुँचा और फिर मुझे ये सीन मिला। तो सर मैं एक कॉलेज में था, थर्ड ईयर में था, तो मेरे दोस्त को मैंने कॉल किया। मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे देखा था एक वीडियो, छोटा सा 10 सेकंड का 15 सेकंड का, ऐसे रैंडमली कोई क्लिप नहीं डाल देता ऐसे फ़ोन से, और लिख देता है मतलब उसकी जो टाइटल भी होती है MOV.2346 ऐसे रैंडम होता है। तो मैं रैंडम वीडियोज बहुत देखता था उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम देखा एक वीडियो में कि एक ट्रेन की फुटेज है जिसमें लोग ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ जाना सही रहेगा, बट मुझे पता नहीं था कि वो जगह कौन सी है। तो वहाँ पे एक जगह पे मुझे ट्रेन स्टेशन का नाम दिखा, तो उस ट्रेन स्टेशन को मैंने फिर ढूंढा और फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। दोपहर को कॉल किया, रात को फिर मैं और मेरे दोस्त ने जनरल कंपार्टमेंट में बैठ के हम लोग पहुँचे ग्वालियर, और ग्वालियर में फिर हमें पता चला कि वो ट्रेन निकलती है वहाँ से। और फिर सुबह रात भर पूरा बिना सोए हम वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ से हमने वो ट्रेन पकड़ी और फिर ये कैप्चर किया। तो यहाँ फिर 5-6 बार चला गया, मेरे को इतना अच्छी लगी वो जगह कि मैं 5-6 बार गया और कुछ तस्वीरें खींची। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये एक बार नहीं खींची गई, ये 4-5 बार मैं गया हूँ तब आगे खींची गई, क्योंकि क्या होता है ना कि एक मोमेंट को परफेक्टली कैप्चर करने के लिए आप ट्रेन पे तो चढ़ गए, आप पहली बार क्या करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, आप चीज़ों को देखते हो कि वो ट्रेन कहाँ से गुजर रही है, क्या क्या चीज़ें आती हैं पास में, कैसे लोग चढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो। तो 4-5 बार जाने के बाद मुझे कुछ अच्छी तस्वीरें मिली। ये भी में से एक तस्वीर है, ठंड का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने क्या किया भाई, वो जो धुआं निकलता है उसके पास जाके हम लोग बैठ गए थे और वहाँ से सेक रहे थे कि भैया ठंड लग रही है, तो वो भी सेक लेते। नेक्स्ट, ये सारी निकॉन D5300 जो कि एक बेसिक लेवल एंट्री लेवल कैमरा है उससे खींची गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक फुल फ्रेम बड़ा सा अच्छा सा कैमरा लेना है। मैंने अभी लास्ट ईयर ही सोनी लिया था बिकॉज मुझे वीडियोज़ बनानी थी, और उसकी भी कहानी बताएंगे आपको। पहले मैंने क्या किया कि जो कैमरा मेरे पास है यानी कि निकॉन का जो मैंने कैमरा लिया था बेसिक एंट्री लेवल, उसको मैंने 5 साल यूज़ किया। 5 साल इतना यूज़ किया कि उसका जो आगे वाला जो हैंडल पकड़ते हैं ना वो भी खुल के गिर गया। ये जामा मस्जिद की एक तस्वीर है, जब रमज़ान होता है तो उस टाइम सुबह के टाइम फ्राइडे को टेंट्स लगाए जाते हैं, और उन टेंट्स है ना ऐसे लाइट की रेज बनती है, तो नीचे मुझे आप देख रहे हैं वो कोई लाइन, वो लाइट की सनलाइट की रेज है जो कि लाइन्स बना रही, पैटर्न्स बना रही। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, आप देख रहे हैं कि हाँ यहाँ नीचे लाइन बन रही है, बट मैं इसको कैसे खींचूँ, यहाँ से खींचूँ या फिर मैं उस ऊपर जाके वहाँ से इस चीज़ की तरफ खींचूँ। तो मैं ऊपर गया और वहाँ से फिर मैंने देखा कि पूरा एक लेयर बन रही है, और जब भी कोई वहाँ से गुजर रहा था तो आई वॉज वेटिंग कि हाँ मेरे को एक सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए और उसका मैं एक सिलोएट लेता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करके हंट कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में, आप या तो हंट कर सकते हैं यानी कि आप भाग सकते हैं एक जगह जगह वो, या फिर आप वेट कर सकते हैं, फिशिंग जो टेक्निक होती है यानी कि आप जैसे फिश पकड़ने के लिए क्या है आप मतलब वेट करते हैं एक जगह पे, तो वैसे ही ये फिशिंग टेक्निक से मैंने वहीं पे खड़ा रहा, मैंने वेट किया कि एक आदमी वहाँ से गुजरे और फिर मैं उसको खींचूँ। मैंने अब आज तक कभी शॉर्ट फिल्म नहीं बनाई थी, वीडियोज़ में मैंने बताया मैंने वीडियो में एक साल हुआ है मेरे को वीडियोज़ में, उससे पहले मैंने 5 साल सिर्फ फोटोग्राफी की। तो मैंने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई
और लकीली इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट का जो 50 आवर्स का जो चैलेंज होता है उसमें हमारी जो शॉर्ट फिल्म थी वो ब्रॉन्ज उनको ब्रॉन्ज प्राइज मिला। दैट इज वेरी गुड फॉर मी। नेक्स्ट लगाइए फिर उसके बाद ये एक तस्वीर है। तो मैंने कभी ट्रैक नहीं किया, आप सोचिए मैंने कभी ट्रैक नहीं किया और पहला ट्रैक ये हमने एवरेस्ट बेस कैंप कर दिया। मतलब भगवान ने सीधे एक बार बोला कि हाँ ठीक जा सीधे वहाँ पहुँच। तो अभी जो आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी थी जो मैंने प्ले की थी वो मेरा एक एंट्री था, यानी कि वर्ल्ड व्लॉग चैलेंज जो होता है उसके लिए एक एंट्री था कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ एंड लकीली हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एट माउंट एवरेस्ट बेस कैंप और 15 दिन का ट्रैक था और कम से कम 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक चल के गए और -15 -20 डिग्री की ठंड थी। उसमें भी हम लोग क्या करते थे मोस्टली क्या ना लोग -15-20 डिग्री होती थी तो लोग सब लोग अपना एक जगह आग लगाए जाते थे, अंदर एक जगह होती थी जहाँ पे सब बैठते थे और वहाँ आग लगा के सब वहीं पे बैठे रहते थे। बट मैं क्या करता था मैं हमेशा रात को बाहर जाता था, रात के 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक मैं हमेशा बाहर होता था, वो भी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उससे कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर, क्योंकि मेरे को एस्ट्रो लेना था। तो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे तो उसमें आपने देखा होगा एक एस्ट्रो का सीन है जो कि है शायद 5 से 10 सेकंड का है, मैं लेके नहीं आया तो प्ले करता। 5 से 10 सेकंड का सीन है वो, सिर्फ ये मिलती हुई यहाँ से यहाँ तक गया है और उसमें मुझे कम से कम रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे लग गए और अगले दिन मुझे ट्रैक करके एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचना है, लास्ट डे है। फिर भी मैंने वो किया क्योंकि मुझे पिछले 6-7 दिन से वो चीज़ नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। एक प्रो टिप देता हूँ सबके लिए जो भी अगर ट्रैवल फोटोग्राफी या फिर कोई भी फोटोग्राफी में करना चाहते हैं आउटडोर करते हैं, आप सनराइज और सनसेट तो कभी मत मिस करें क्योंकि वही बेस्ट टाइम है। और अभी तक मैंने जितनी तस्वीर आपको दिखाई वो सारी तस्वीरें मोस्टली सनराइज और सनसेट में ही खींची गई। तो लास्ट में मैं जैसे यही बोलूँगा कि ये जो सब मैंने किया है ये अभी तक जितना भी मैंने जो भी चीज़ें की हैं ये सब आपके वजह से, क्यों? क्योंकि आप लोगों से अगर इतना प्यार नहीं मिलता तो शायद तक ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए थे जब मैं डाउन चला के बोला यार क्या करूँ यार क्या नहीं किया जा रहा इतना तो हो नहीं रहा। तो वही चीज़ है कि मोटिवेशन जो है वो आपको आपकी तरफ से ही आया है, तो आज जो हम हैं यहाँ पे वो आप ही की वजह से है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कभी ना एक लाइन बस याद रखना कि क्वांटिटी के बारे में मत सोचो, क्वालिटी के बारे में सोचो। मैंने 1 साल में मुझे वीडियो बनाए हुए, मैंने सिर्फ 25 वीडियो बनाई यूट्यूब पे, 25 वीडियो डाली, 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हुए 1 साल में। तो 25 वीडियो में 1 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे डाल रहे हैं फिर भी नहीं हो रहे। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई मेहनत करो एक वीडियो में इतनी कि 100 वीडियो में जितनी करनी पड़े, मतलब 100 वीडियो में जितनी आपको मेहनत करने पड़े ना उतना एक वीडियो में डालो, 1 महीना लो एक वीडियो बनाओ और उसको डालो और फिर लोगों का उससे फीडबैक लो, लोगों से सीखो, उनसे पूछो कि क्या गलती की है क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि आप क्वालिटी में ध्यान दीजिए, क्वांटिटी तो आप धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये लेवल है मुझे ऐसी ही और वीडियोज बनानी है। तो क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, स्किल डेवलप करते रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। मैं 5 साल से फोटोग्राफी कर रहा था बट मैंने अगर वीडियो स्टार्ट नहीं किया होता तो शायद तक आज मुझे इतना प्यार नहीं मिला। तो वही चीज़ है कि डेवलपमेंट जैसे बढ़ा है ना, जैसे 2G से 3G, 3G से 4G आए लोगों ने कॉन्टेंट बहुत कंज्यूम करने लगा। मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि कॉन्टेंट जब लोग कंज्यूम ज़्यादा करने लगते हैं ना तो आपको कॉन्टेंट देना भी पड़ेगा। अब मोस्टली क्या है कि इमेजेस से वीडियोज में शिफ्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। हमेशा कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या मैं लेट हूँ। बोला जाता है कि फर्स्ट कमर को हमेशा ज़्यादा फायदा मिलता है बट कोई कभी लेट नहीं होता। लोग लेट भी स्टार्ट करते हैं बट वो आगे बढ़ते हैं और जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना उसमें ज़्यादा मजा है। आप एक दिन में आपको 1 लाख सब्सक्राइबर दिया जाएगा तो आपको पता नहीं है आपने कितनी मेहनत, आपके पास कोई स्टोरी नहीं है बताने के लिए, आप कहानी नहीं बता पाएंगे कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो वही चीज़ है कि धीरे धीरे आप पहुँचेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी प्लेटफॉर्म में ग्रो होने के लिए उस प्लेटफॉर्म की सारी चीज़ों को यूज़ करना ज़रूरी है, यानी कि वो चाहता है वो प्लेटफॉर्म कि आप उस हर चीज़ को यूज़ करो, यानी कि फ़ोटोज़ भी डालो, वीडियोज़ भी डालो, लाइव भी आओ, लोगों से बात करो, इंटरेक्शन करो, ठीक है। तो कम्युनिटी के साथ ही आप ग्रो हो पाएंगे। मेरा यही मानना है कि आप अगर अच्छे से क्रिएट करेंगे कुछ भी चीज़ को तो आप एक ट्रेंड बना सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ट्रेंड को फॉलो करें, आप खुद से एक ट्रेंड बनाएं और वो लोग फॉलो करें, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो
ट्रेंड फॉलो करिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ट्रेंड मत फॉलो करिए, ट्रेंड फॉलो करिए, बट उसमें आपका भी एक बलिदान होना चाहिए, आपने उसमें कुछ ऐड किया होना चाहिए। यानी कि लोग अगर समझ लीजिए, एग्जांपल लेता हूँ, एक लोग अगर मिनी ब्लॉग्स बना रहे हैं, छोटे से ब्लॉग्स यानी कि वीडियोस बना रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आपने क्या एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया कि वो आपका तरीका लगे। यानी कि कुछ फोटोज या वीडियोज होती है जिसको देख के पता चल जाता है कि यार ये तो उसी ने बनाया, ऐसा होता है ना, अगर उसमें नाम भी नहीं लिखा हो तो आप पहचान लेंगे। तो वही चीज़ है, आपका फ्लेवर आपकी वीडियो में दिखना चाहिए। आई मेक कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब और लेटली मैंने ये रियलाइज किया आपको देख के और अर्चुअल पाठक जो आपकी टीम में है उन्हें देख के कि वो यूट्यूब पे बाद में मतलब अपलेट डाल रहे वीडियोस और वो रील्स पे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर इस किसी कॉन्टेंट क्रिएटर को ग्रो करना है तो इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि वो रील्स पे ज़्यादा आ जाए, क्योंकि लोग रील्स ज़्यादा स्वाइप करते हैं और या फिर शॉर्ट्स। लेकिन देखिए मैं एक चीज़ सवाल पूछूंगा यहाँ पे, कौन कौन है जो यूट्यूब से मुझे जानता है? हाथ खड़े कर सकते हैं, बहुत सारे लोग। और इंस्टाग्राम से? यूट्यूब के बाद से मोस्टली सेम ही है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, मेरे को जो लगता है कि मैंने यूट्यूब पे जब काम ज़्यादा डालना शुरू किया तो उससे मुझे ज़्यादा वो ने मतलब अप्रोच किया, और मैं बहुत ऐसे ऐसे क्रिएटर से मिला उसके बाद कि जिनसे मैं शायद इंस्टाग्राम पे थ्रू नहीं मिल पाता, क्योंकि इंस्टाग्राम में एक शॉर्ट 15 सेकंड का एक छोटा सा एक ट्रेलर है मेरे पास, मूवी असली मूवी तो यूट्यूब पे बनती है ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इंस्टाग्राम पहुँचा सकता है बट बहुत टाइम लगेगा। मुझे 5 साल लगे इंस्टाग्राम पे 100K करने में और यूट्यूब पे सिर्फ 1 साल लगा, क्योंकि यूट्यूब का जो कॉन्टेंट है वो भारी है। बट आपका तो इंस्टाग्राम पर पहले से ही काफ़ी फॉलोअर्स थे ना, आपने बताया कि हाँ मैंने जब चैनल बनाया था तो मुझे 100K दे दिया था इंस्टाग्राम पे नहीं दिया ना, वही तो बताया ना, 0 से ही 5 साल लगे। हाँ जी भैया, तो मैं ये हिंदू कॉलेज आया हुआ हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत ही बेहतरीन, और बड़ा ही मज़ा आया आपसे बात करके, अच्छा लगा आपको? अभी काम करते हैं वर्टिकल में भी लेते हैं, क्या बताए ना। हाँ जी भैया जी, तो मैंने ये हिंदू कॉलेज आया हुआ था, बड़े ही प्यार लोग हैं यहाँ पे और बहुत ही बेहतरीन लगा, बड़ा मजा आया मुझे। क्यों, आपको मजा आया क्या? दूर से कौन सा आया, दूर दूर से कौन लोग आए? अच्छा कहाँ कहाँ से आए आप? गाजियाबाद। बिहार से? जो एक अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं शाम के, और अभी जस्ट घर पहुंचा हूं मैं, और काफ़ी अच्छा दिन रहा मेरा, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, और एक और चीज़ हुई मेरे साथ आज बड़ी अजीब सी, मैं बड़ा मुझे मतलब बेकार लग रहा है कि मैं कैसा हूं यार। ये हुआ कि कैमरा वाले भैया ने एंटर करा, एंटर करते उन्होंने बोलना स्टार्ट करा, वो मैं सुनता रहा, तो मैं उस टाइम ये देखता रहा कि भाई ये एंगल सही आ रहा है नहीं आ रहा है, लो लाइट तो नहीं होगी, डिम लाइट तो नहीं होगी, लाइट सही है नहीं है। मेरे को 5 मिनट बाद पता चला कि मेरे सामने वो शख्स है जिनको मैं YouTube पे देखता हूँ, और मैं बड़ा मतलब ऐसे मतलब शौक हो गया, मैं कह यार तू तरुण क्या कर रहा है? तो मैंने क्या करा, फ़ोन धरा नीचे और उनकी बात सुनी, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करा, थोड़ा थोड़ा सुना, मतलब ज़्यादातर मेरा फोकस फिर सामने था, लेकिन उससे पहले फोकस मेरा ये था कि ये एंगल सही है नहीं आ रहा है, या फिर आवाज़ साफ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, हाथ हटा लेता हूँ, तो ये सब चीज़ हुई। बाकी बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। और आपको हमारे भैया जी कैसे लगे, कैमरा वाले भैया, तो कमेंट करके बता देना कैसे लगे, और उससे मेरे को अच्छा लगेगा, उनको तो खैर नहीं दिखेगी वीडियो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े क्रिएटर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है। और अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा लिखोगे तो मेरे को बढ़िया लगेगा, तो आप लिख सकते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।